भारतीय सेना ने उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के गुरेज इलाके में एलओसी के पास 10 दिनों के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इसका आयोजन एनसीसी बारामूला की 3 जम्मू कश्मीर बटालियन द्वारा किया गया था। इस शिविर में आकर्षण का केंद्र बने 346 कैडेट जो उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे उरी, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर, पट्टन, बांदीपुरा, माचिल, तंगधार और बारामूला से आए। पाकिस्तान सीमा के करीब एलओसी पर इस पहल का उद्देश्य युवा कैडेटों में देशभक्ति, नेतृत्व और अनुशासन को बढ़ावा देना है। इस शिविर में कैडेटों का जोश देखते ही बना। तमाम देशभक्ति के नारे लगाए गए और हर कैडेट के मन में भारत माता के लिए जो देश प्रेम है वो बहुत कुछ बयां कर गया। 3J&K एनसीसी बटालियन बारामूला का जो ये 10-day एनुअल ट्रेनिंग कैंप है, ये हमारा इस साल का दूसरा कैंप है। पहला कैंप हमने उरी में किया था और ये दूसरा कैंप हम गुरेज में कर रहे हैं। इसमें 346 कैडेट्स नॉर्थ कश्मीर के इन्होंने हिस्सा लिया है, जिसमें 200 जूनियर डिवीजन कैडेट्स एंड 146 कैडेट्स सीनियर डिवीजन के बच्चे तंगधार, उरी, सोपोर, हंडवारा, गुरेज, इन सभी से इलाकों से बच्चे आए हैं और हमने इनको ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट ही नहीं बल्कि इनको कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे कि लीडरशिप ट्रेट्स, लीडरशिप स्किल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, हेल्थ एंड हाइजीन, ऐसे जैसे कई सब्जेक्ट्स में इनको हमने इनको ट्रेनिंग दिया है, जिससे बच्चों को अपने सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन देने में इनको काफ़ी मदद मिलेगा। और जिस किस्म का हमने मोटिवेशन बच्चों में देखा है, ये वाकई में काबिले तारीफ है। यस, जिस किस्म का हमको मोटिवेशन इन बच्चों में देखने को मिला है, इससे हमें यकीन है कि ऐसे वाले कार्यक्रम, ऐसे वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम आगे चल के और भी करेंगे और हमें यकीन है कि ऐसे बच्चे और भी ज़्यादा इन कैंप्स में हिस्सा लेने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। काफ़ी अच्छे रहे, काफ़ी कुछ सीखा कैडेट्स इन दिनों में, कैडेट्स ने काफ़ी कुछ सीखा। जो भी कोई एनसीसी की एक्टिविटी वो उसमें वो ट्रेनिंग चली यहाँ पे और उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमने कुछ डे सेलिब्रेट किए लाइक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे एंड वर्ल्ड ओशंस डे एंड यहाँ हमने क्लीन ड्राइव भी चलाया। तो ये जो गुरेज है बहुत ही अच्छी जगह है और मैं चाहता हूँ कि हर साल यहाँ पे कैंप कंडक्ट करवाया जाए ताकि एनसीसी कैडेट्स को यहाँ आने का मौका मिले, गुरेज देखने का मौका मिले और उसके साथ साथ यहाँ ट्रेनिंग करने का भी मौका मिले, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है बहुत ही अच्छा है ना, इतनी यहाँ पे मतलब ना उतनी गर्मी है ना सर्दी है, कैडेट्स को यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती कैंप अटेंड करने में। सो मैं हर किसी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो आके एनसीसी में मतलब एनसीसी में एनरोल हो जाए और जो कि इसमें बोन्स पॉइंट्स है वो ले जाए। मैं कुपवाड़ा का रहने वाला हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो ग्रुप 3J&K एनसीसी बटालियन बारामूला के जो सीओ सर हैं एमएस कुमार सर, उन्होंने यहाँ पर ये कैंप हेल्ड कराया और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ताकि हम यही चाहेंगे कि ताकि वो बार बार इधर कैंप कराते रहें और आने वाले कैडेट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एनसीसी का मोटो है डिसिप्लिन एंड यूनिटी, तो खासकर डिसिप्लिन और यूनिटी का क्या खाली उसका मोटो नहीं होना चाहिए, मतलब उसका हमें जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भी हमें उसका सुधार करना चाहिए, कैसे चाल चलन, कैसा कैसे बर्ताव कैसे करना है, उसका बहुत बेनिफिट हमें मिलता है एनसीसी ज्वाइन करके। आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल में ऐसे कैंप और होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हमारे जो सीओ सर हैं एमएस कुमार सर, वो बार बार इधर इसका एनुअल ट्रेनिंग कैंप जो है इधर हेल्ड कराएं और इसका बेनिफिट हर कैडेट्स उठा सके। Thank you.